One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. BinTech, excellence with values. भाई ये बताइए, जय अमित भाई शाह अमित शाह के पुत्र हैं। अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, 2015-16 के समय केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी की सरकार है और सबको मालूम है कि आज की तारीख में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर कोई सबसे पावरफुल आदमी है तो अमित शाह है। तो इस सवाल का जवाब देश को मिलना चाहिए कि भाई ये कौन सा चमत्कार हुआ है। और हैरानी की एक दूसरी बात यह है कि ये जो कंपनी है फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी जो राजेश के IFS राजेश खंडावाला की, कि जिस साल इन्होंने 15.75 करोड़ रुपए लोन दिए टेंपल एंटरप्राइजेज यानी अमित शाह के बेटे की कंपनी को, उस साल ये कुल रेवेन्यू शो करते हैं 7 करोड़ रुपए। यानी आपके खजाने में 7 करोड़ रुपए हैं और आप दूसरे को 15 करोड़ रुपए उधार दे रहे हो, और उस फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी एनुअल रिपोर्ट बननी थी उसमें इस बात का जिक्र नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और भारी गड़बड़ है। जब आपके पास 7 ही करोड़ रुपए तो 15 करोड़ रुपए आपने कैसे दे दिए? और अगर आपने दिए, कुछ छुपाना नहीं है, तो आपने उसको अपनी एनुअल रिपोर्ट में उसका जिक्र क्यों नहीं किया? तो इसलिए पार्टी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मेरा सवाल यह है कि भाई सबसे पहले यह बताएं, क्या यह कंपनी फर्जी कंपनी है? दूसरा, क्या इस कंपनी में जो पैसे आए, जो 80 करोड़ रुपए का जो रेवेन्यू बना, ये क्या इसको कहां से फायदा पहुंचाया गया, क्यों फायदा पहुंचाया गया, ये पैसा कहां से आया, इस पैसे को देने के पीछे की मंशा क्या थी, और ये 51 करोड़ रुपए जो आए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अक्सर ये देखा जाता है, इस तरीके की सेल कंपनियां बनाई जाती हैं जिसका कोई अता पता नहीं होता, उसके बाद उसमें कुछ ट्रांजैक्शन होता है और फिर ये कंपनियां बंद हो जाती हैं। ये आइडियल केस है, क्लासिक केस है। इसलिए पार्टी की मांग ये है कि इस कंपनी के खातों की जांच होनी चाहिए। अजय शाह जो अमित शाह के पुत्र हैं, जय शाह अमित शाह जी के पुत्र हैं, उनके खिलाफ बाकायदा FIR दर्ज होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए, उनसे पूछताछ होनी चाहिए, और साथ ही साथ अमित शाह से भी इस बारे में पूछताछ की जानी चाहिए कि क्यों ऐसा तो नहीं किसी राजनीतिक दबाव के तहत इस कंपनी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। पिछले दिनों इस तरीके की जांच बहुत सारे नेताओं और उनके परिवार से जुड़े हुए लोगों और उनके खातों की हुई है। कुछ क्या इनकम टैक्स के छापे पड़े हैं, कुछ क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे पड़े हैं, कुछ लोगों को जेल जाना पड़ा है। तो अगर उस तरीके का मामला है तो इस मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए और इस बात का खुलासा होना चाहिए कि क्या ये गड़बड़ झाला क्या है और कहीं ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो नहीं है। अगर है तो फिर यह बहुत गंभीर मसला है, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री और उनकी इस वक्त सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष के पुत्र से जुड़ा हुआ मामला है। इसके अलावा इसमें और भी मामले हैं
कि ये जय भाई शाह ये राजेश खंडा वाला के साथ एक कुसुम फाइन सर्विसेज नाम की एक दूसरी कंपनी है, उस कंपनी में ये पार्टनरशिप है करीब 60% के, और उस कंपनी को IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ये PSU है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इस पब्लिक सेक्टर यूनिट पीयूष गोयल जी जिस मंत्रालय के तहत आता है वो पीयूष गोयल जी के अधीन था। ये जो कंपनी बनी, इस कंपनी जिसमें ये पार्टनर है उसका कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये स्टॉक शेयर के धंधे में है, मार्केटिंग कंसल्टेशन के धंधे में है, लेकिन इस कंपनी को 2.1 मेगावाट विंड एनर्जी के कई प्रोजेक्ट इसको दिया गया है और इसको 10.35 करोड़ रुपए का लोन मिला। अब सवाल यह है कि यह भी मामला अमित शाह जी के पुत्र से जुड़ा हुआ मामला है और इसको जिसका काम स्टॉक एक्सचेंज में काम करना है उस कंपनी को विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट दिया जाता है। पीयूष गोयल जी जिसके अध्यक्ष हैं, जिसके मंत्री हैं, तो साफ पैटर्न में नजर आता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार बनने के बाद और मोदी जी और अमित शाह जी के पार्टी के अध्यक्ष बनने के बाद उनकी कंपनी पर, उनके बेटे की कंपनी और जिन कंपनियों में वो पार्टनर है उसमें उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है, ऐसा हमारा आरोप है। इसलिए इस पूरे मामले की गंभीरता के साथ जांच होनी चाहिए और यह बात पता चलनी चाहिए कि यह ऐसा क्यों किया गया। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और अगर जरूरत पड़े तो उनकी गिरफ्तारी भी। धन्यवाद।